एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी कॉपी को जो है कॉपी के मार्क्स को मार्क वेरिफिकेशन कैसे करवा सकते हैं, अपनी कॉपी को आप री इवेलुएट कैसे करवा सकते हैं और अपनी कॉपी को आप घर कैसे मंगा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं CBSE के ऑफिशियल पोर्टल पे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिंक जनरेट हुई है। तो यहाँ पे एक हम मिल गया कि शेड्यूल फॉर वेरीफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेलुएटेड आंसर बुक एंड री इवेलुएशन फॉर एग्जामिनेशन 2020 क्लास 10th एंड क्लास 12th। हम करते हैं अप्लाई ऑनलाइन हियर पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि जो पर्सन अपनी मार्क को वाईफाई करवाता है वही एलिजिबल है अपनी कॉपी को घर मंगाने के लिए, सॉफ्ट कॉपी नॉट हार्ड कॉपी, और वही एलिजिबल है अपनी कॉपी को री इवेलुएट करवाने के लिए। तो ठीक है, हम करते हैं अप्लाई फॉर वेरीफिकेशन। आप फिलहाल खाली अपनी कॉपी को वेरीफाई करवा सकते हैं, अभी आप अपनी कॉपी को री इवेलुएट और घर नहीं मंगा सकते। उसके लिए एक अलग लिंक 2-3 दिन में ओपन हो जाएगा, मैं आपको वीडियो दे दूंगा। ठीक है, जैसे लिंक ओपन होती है वैसे ही तुरंत। तो यहाँ पे पूछता है कि इंटरव्यू रोल नंबर, ठीक है, जो आपके एडमिट कार्ड पे है वही, फिर इंटर 5-डिजिट स्कूल नंबर, इंटर सेंटर नंबर। जैसे आप इंटर प्रोसीड करते हैं आपका ये जो पेज है वो बंद हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली आप इस पेज पर लैंड कर जाएंगे। फिर यहाँ पे बोलता है कि फ़ी पेमेंट, अब आपको करना क्लिक करना है फ़ी पेमेंट पे, और यहाँ पे आपको इंटर करना है अपना रोल नंबर और आपका एप्लीकेशन नंबर। एप्लीकेशन नंबर मतलब कि आप अगर कभी अपने मार्क्स को वेरीफाई तो उसका अलग नंबर होगा, और अगर आप कॉपी को घर मंगा रहे हैं तो उसका अलग नंबर होगा, और अगर आप अपनी कॉपी को करवा रहे हैं री इवेलुएट तो उसका अलग नंबर होगा। तो आपको वो नंबर इंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है कि आप अपने पेमेंट को दोबारा किसी भी हालत में मत करिएगा, वरना जब आपका पैसा है वो डूब जाएगा, वो रिफंड CBSE नहीं करने वाली है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ नोट लिखा है कि आप जो नोट है ये खुद पूरा पढ़ लीजिएगा ताकि आप जो पेमेंट करिएगा। ठीक है, वरना आपका पैसा वो डूब सकता है। और फिर लिखा हुआ कि चेक फी स्टेटस, मतलब कि आपने जो पैसा फंड किया है CBSE को वो हो गया है या होने वाला है या पेंडिंग में जो भी है, वो आप यहाँ से अपने इंटर करके अपना एप्लीकेशन नंबर वो चेक कर सकते हैं। और एप्लीकेशन स्टेटस मतलब आपने जिसके लिए अप्लाई किया अपनी कॉपी को मार्क वेरिफिकेशन के लिए, तो क्या वो हो रहा है या होने वाला या हो चुका है, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन नंबर अपने रोल नंबर को इंटर करने के बाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हेल्पलाइन नंबर। यहाँ पे आप क्लिक कर लें, आपका यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं आपको एक पेज डाउनलोड हो जाएगा और उसमें आपको हेल्प के लिए बहुत सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि जीमेल आईडी हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, जो नहीं लगता है लेकिन कभी कभी लग जाता है, आप यहाँ से उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट जरूर करिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो कमेंट कर दीजिए। और जैसे ही आपका आता है लिंक अपने मार्क को री इवेलुएट करवाने का और कॉपी घर मंगाने का, वीडियो आपको दे दूंगा, आप वीडियो को चेक कर लीजिए, आएगा जब तब। तो आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर दे, क्वेश्चन कमेंट कर दीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।